श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि मादक पदार्थ जो नशा है, नशा छोड़ने के बाद जो नशा छोड़ता है उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, उससे ज्यादा उनके फैमिली मेंबर्स को भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए और उनसे निपटने की जो स्थिति है उसके मैं 5 घरेलू नुस्खे आपको बताऊंगा। जैसे जब आप किसी का अपना कोई रिहैब जाता है और रिहैब से जब वापस आता है तो इतना आसान नहीं होता है कि अपने एडिक्शन को छोड़ दे। मादक पदार्थ को छोड़ने के बाद की वापसी एक दुखद अनुभव है, न सिर्फ नशा छोड़ने वालों के लिए बल्कि परिवार और दोस्तों के लिए भी। अगर आप भी प्राकृतिक तरीके से मादक पदार्थ को छोड़ने के बाद आने वाले लक्षणों से राहत पाने के उपाय खोज रहे हैं तो फिर हमारा वीडियो जरूर देखिए। मादक पदार्थ को छोड़ने के बाद जो स्थिति है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। लंबे समय की खपत के बाद आप नशीली दवाओं के उपयोग को अचानक से या कम जब कर देते हैं तो इसके जो लक्षण होते हैं वो बड़े भयावह टाइप के होते हैं, जैसे उल्टी आएगा, डायरिया होगा, भूख की कमी होगी, डिप्रेशन होगा, पेट में ऐंठन होगा। जब रोगी मादक पदार्थों की वापसी की तरफ रुख करता है उसे ड्रग्स के लिए तीव्र लालसा का अनुभव होता है छोड़ने के बाद। लेकिन अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं तो पुरानी आदतों में वापस न जाए तो नशा वापसी के लिए घरेलू उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वापस उसी रास्ते पे नहीं जाए। किसी भी नशे से बाहर आना सच में बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन मादक पदार्थों को छोड़ने के बाद की स्थिति से निपटने के लिए हम आपको घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। इसमें जो पहला है वो है अदरक। अदरक बहुत ही प्रभावशाली रहता है। अगर आपको उल्टी हो रहा है, उल्टी होता ही होता है जब आप छोड़ते हैं तो आपको उल्टी की फीलिंग आएगी, यह मतली के लिए या उल्टी के लिए एक अत्यधिक प्रभावी उपाय है। यह नशा वापसी के दौरान आने वाले अन्य लक्षणों को दूर करने में प्रभावी होता है। अदरक एक निश्चित डिग्री तक दर्द को दूर करने में मददगार होता है। दिन भर में अदरक की चाय पीने से काफी मदद मिलती है। पानी के एक कप में अदरक का टुकड़ा उछल कर और उबाल कर अगर आप लेते हैं तो इससे आपकी मतली दूर होगी। अदरक का स्वाद और गंध तंत्रिकाओं पर काम करती है और रोगी को होने वाले लालसा को दूर करने में मदद करती है। फिर है मेथी के बीज। मादक पदार्थ को छोड़ने के बाद होने वाले सबसे आम लक्षणों में से एक है मतली, उल्टी आना। मेथी समस्या के लिए एक प्रभावी घरेलू उपाय है। इसके लक्षणों को कम करने के लिए आप रोगी को 1 लीटर पानी में एक मुट्ठी बीज को उबालकर और फिर थोड़ा ठंडा करके पिलाइए, या मेथी के बीज का पेस्ट बनाकर इसे रात को पानी में भिगो दें और सुबह इसे खाली पेट खाना है। मतली और अन्य लक्षणों को दूर करने का एक शानदार तरीका है। फिर है आपका नींबू। विटामिन सी से भरपूर नींबू एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने में मदद करता है। यह विटामिन रोगी को देने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह 3 से 4 ताजे नींबू का रस निकालकर खाली पेट दे दीजिए। हालांकि अपने आप में बहुत प्रभावी है, लेकिन इसे अगर इसे आप गर्म पानी में देते हैं तो इसका जो प्रभाव है और ज्यादा बढ़ जाता है। यह विषाक्त पदार्थ, अतिरिक्त फैट और मिनरल अपशिष्ट को शरीर से बाहर प्रभावी रूप से निकालने में मदद करता है। फिर पानी। पानी सबसे अच्छा उपाय है डिटॉक्स करने का। यह बात आप सभी जानते हैं कि पानी में कई प्रकार के चिकित्सीय गुण होते हैं, इसलिए आपको इस बात को जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि पानी मादक पदार्थों को छोड़ने और उसके कई लक्षणों से राहत देने में मदद करता है। चिकित्सा गुणों के अलावा इसमें डिटॉक्सिफाइंग गुण भी मौजूद होते हैं जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को दूर करने और मादक पदार्थों से होने वाले नकारात्मक प्रभाव से लड़ने में मदद करते हैं। एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीने से प्राकृतिक रूप से शरीर को डिटॉक्स कर नशा वापसी का सामना करने में मदद मिलता है। फिर है कैमोमाइल चाय। आप जानते हैं कि कैमोमाइल चाय में शांतिदायक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह व्यक्ति की मादक पदार्थ से वापसी का सामना करने में बहुत मदद करता है। यह फायदेमंद हर्बल चाय इस समस्या से होने वाले आम लक्षण जैसे डायरिया हो गया, पेचिस हो गया, मतली हो गया, इन सब से आपको राहत देगा, उन सब में आपको मदद करेगा। कैमोमाइल चाय के शांतिदायक प्रभाव चिंता और तंत्रिका के तनाव को कम करने में मदद करते हैं। आप नियमित रूप से 4 से 5 कप आप पीजिए
ये आपके नशा वापसी करने में, नशा वापसी में मददगार होगा जब आप वापस आएंगे नशे से। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।